गुड मॉर्निंग एच डी एंस, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। टुडे वी आर रिवाइजिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। दिस इज चैप्टर 2 इन योर बुक। योर बुक नेम इज लॉगिन टू कंप्यूटर। क्लियर स्टूडेंट्स, योर बुक नेम इज लॉगिन टू कंप्यूटर्स। योर चैप्टर 2 इज कंप्यूटर लैंग्वेज। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। As you can understand from our surrounding peoples, we are communicate with each other. We give instruction to our near dear for our work. We talk with their some language like Hindi language, English language or some your local language. Clear? So we need some medium to talk with them. In another way, अगर हम अब computer की term में आ जाए तो हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है तो कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। सो वी शुड लर्न अबाउट इट। सो व्हाट इज लैंग्वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड लैंग्वेज इज ए मीडियम फॉर एक्सप्रेशन आवर व्यूज एंड फीलिंग आइदर वर्बली और सिम्बोलिकली। लैंग्वेज एक मीडियम है अपने व्यूज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, चाहे हम बोल के करें चाहे हम सिंबॉलिक करें। क्लियर? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर लैंग्वेज। सभी ह्यूमन बीइंग्स को एक लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। क्लियर? इन द सेम मैनर लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। इसी तरह से लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर के साथ भी काम करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट पर्पस। इसी तरह से कंप्यूटर की भी कुछ लैंग्वेज हैं। सम लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड सम अदर यूज़ फॉर जनरल पर्पस। कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती हैं और कुछ जनरल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? A person who make use of any computer language to develop a computer program. A person, एक इंसान जो किसी भी कंप्यूटर का यूज़ करके लैंग्वेज को डेवलप करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाता है, उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। क्लियर? जो कंप्यूटर पे इन लैंग्वेज पे वर्क करता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। और प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कुछ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताती हैं क्या काम करना है, वो एक आपका प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम को लिखने वाला कौन है? प्रोग्रामर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देयर आर सम स्पेसिफिक लैंग्वेज आर हेयर। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, यू रिमेंबर इट ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। क्लियर? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। क्लियर? मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। सो बाइनरी लैंग्वेज में जैसे हमारे हिंदी में ए आ ई हो सकते हैं और इंग्लिश में ए बी सी हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है? मशीन लैंग्वेज में आपका ज़ीरो एंड वन यूज़ होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? मशीन लैंग्वेज में आपके टू डिजिट ही यूज़ होते हैं, ज़ीरो एंड वन। अब इसका क्या रीज़न है कि कंप्यूटर ओनली इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जिसमें ज़ीरो एंड वन है? रीज़न इज़ दैट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, करंट। तो ये तो सिर्फ या तो ऑन कंडीशन को जानते हैं या फिर ऑफ कंडीशन को, किसी थर्ड कंडीशन को नहीं जानते। दैट्स वाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो मीन ऑफ एंड वन मीन ऑन। अंडरस्टूड? इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। क्लियर?
सो नाउ यू अंडरस्टूड कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज. एक और नाम है इसका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. मैंने आपको यहाँ पर मशीन लैंग्वेज के तीन नेम बताए हैं, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज. एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वंस. जीरो मीन ऑफ एंड वन मीन ऑन. क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर योर टूडे. हैव ए गुड डे माई डियर स्टूडेंट्स.